आज की क्लास में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि प्रतिशत मानों को भिन्न में कैसे बदला जाता है। अगर कहीं पर प्रतिशत में कुछ मान दिए गए हों, जैसे कि ये कुछ मान दिए हैं प्रतिशत में, इनको भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो आज हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि प्रतिशत मानों को भिन्न में कैसे बदला जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, 216 सही 2/3% दिया गया है। इसको हम लिख सकते हैं 200 प्लस 16 सही 2/3%। इसको यहाँ पर परसेंट लगा देंगे और 16 सही 2/3%। इसको अलग अलग हम तोड़कर लिख सकते हैं। 200% इसको हम लिख सकते हैं 200% का मान होगा 2। 16 सही 2/3%, इसका मान आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो याद कर लीजिए, 16 सही 2/3 का मान होता है 1/6। 16 सही 2/3 का मान होता है 1/6। अब इसको हल करेंगे, 6 × 2 = 12 प्लस 1/6, 12 और 1 हो गया 13/6। या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2 सही 1/6 भी लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, 1033 सही 1/3%। तो हम इसको लिख सकते हैं 1000 प्लस 1000% प्लस 33 सही 1/3%। 1000 को भिन्न में बदलेंगे तो इसका मान होगा 10। 33 सही 1/3% जो है, इसका मान होता है भिन्न में 1/3। अगर नहीं आता है तो इसको याद कर लीजिए, 10 प्लस 1/3 को हम इसको लिख सकते हैं 10 सही 1/3। अगर ऐसे ना लिखें तो 10 तियाँ 30 और 1 31/3 भी लिख सकते हैं। तो पहले वाले का आंसर आया 2 सही 1/6, दूसरे वाले का आया 31/3 या 10 सही 1/3। तीसरा क्वेश्चन है, 714 सही 2/7%। इसको लिख सकते हैं 700% प्लस 14 सही 2/7%। 700 को लिखेंगे 7, 700 का भिन्न में मान होगा 7, 14 सही 2/7% का भिन्न में मान होता है 1/7। इसको हम लिख सकते हैं 7 सही 1/7, या फिर 7 × 49 और 50/7 भी इसको लिख सकते हैं, 50/7। तो तीसरे क्वेश्चन का मान आया हमारा 50/7। पहले का 13/6, दूसरे का 31/3 और तीसरे का 50/6। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 912 सही 1/2। तो इसको हम लिख सकते हैं 900 प्लस 12 सही 1/2%। 900 का मान होगा हमारा 9 प्लस 12 सही 1/2 को भिन्न में लिखते हैं 1/8। इसको हम लिख सकते हैं 9 सही 1/8, या फिर 8 × 9 = 72 और 1 = 73/8। तो इसका मान आ गया 73/8। पांचवा क्वेश्चन है, 811 सही 1/9%। तो इसको हम लिख सकते हैं 800 प्लस 11 सही, ये यहाँ पर परसेंटेज होगा, यहाँ पर भी जो है परसेंटेज का साइन होगा, प्लस 11 सही 1/9%। 800 को हम लिख सकते हैं भिन्न में 8। 800 को जब हल करेंगे तो इसको 100 से भाग देंगे तो 8 ही आएगा, इसको 9, इसको 100 से भाग देंगे तो 9 आएगा, इसको 7 से, इसको 100 से भाग देंगे 7 आएगा, इसको 100 से भाग देंगे 10 आएगा, इसको 100 से भाग देंगे 2 आएगा। जब भिन्न, जब परसेंटेज हटाते हैं तो हम 100 से भाग देते हैं, तो 100 से भाग देंगे आएगा 8। 11 सही 1/9, इसका मान हमारा भिन्न में होता है 1/9। इसको लिख सकते हैं 8 सही 1/9, या फिर 8 × 9 = 72 और 1 = 73/9। तो लास्ट अंतिम क्वेश्चन का आंसर आया 73/9। तो अगर भिन्न ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जहां पर हमें ये ज्ञात करना हो
कि दिए गए प्रतिशत मानों को भिन्न में बदलिए, तो हम उन्हें इस प्रकार से आसानी पूर्वक बदल सकते हैं। अगर इनको हम हल करें 1003 की गुणा 3 से, 1033 की गुणा 3 से करें, फिर उसमें 1 ऐड करें और फिर उसको 100 से भाग दें, तो काफ़ी लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा और हल करने में भी काफ़ी कठिनाई होगी। अगर हम इस तरीके से इसको तोड़ के हल करते हैं अलग अलग, तो हम इसको आसानी पूर्वक हल कर पाएंगे और हमारा आंसर भी आसानी से आ जाएगा। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं।